हेलो स्वैगर्स, वेलकम टू माय डे ऑफ स्वैग वुमन। या तो आप ये क्लिप देख के सोच रहे हो कि कोमल सुबह सुबह कहाँ जा रही है ना? तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और उसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो हम खुद जल्द बताएंगे। तो पहले बता देती हूँ, यहाँ पे टाइम है कुछ 7 बजे, डेट है 6 अगस्त, और हम चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। तो ये है एयरपोर्ट का, एक्चुअली ये है बैंगलोर का आउटस्कर्ट्स। ये एटलीस्ट मैं व्हाइटफील्ड में रहती हूँ, तो व्हाइटफील्ड से एक्चुअली बैंगलोर का एयरपोर्ट कुछ अराउंड 1 आवर का जर्नी है। हम चल पड़े हैं, और आप भी चलिए मेरे साथ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं आपको लेके जाऊँगी। सिंस हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चले हैं, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता दूँ। तो बैंगलोर एयरपोर्ट का एक्चुअली नाम है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। केम्पे गौड़ा जो नाम है वो आया है एक लीडर से, जो विजयनगर एम्पायर के समय पे यहाँ पे रूल करते थे। उनको फाउंडर ऑफ बैंगलोर भी बोला जाता है। ये एयरपोर्ट एक्चुअली 3rd busiest एयरपोर्ट है इन द कंट्री आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई, एंड 29th busiest है इन एशिया। तब समझ सकते हो कितना बिजी एयरपोर्ट है। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ मोस्टली फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता और टू रांची, और मैं जनरली सुबह का फ़्लाइट लेती हूँ। उस समय अगर आप फ्लाइट लोगे तो आप एक्चुअली द बिजीनेस आप देख पाओगे सुबह सुबह। ये एयरपोर्ट एक्चुअली 23 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कनेक्ट करती है। उनमें से ही शायद हम एक डेस्टिनेशन जा रहे हो। तो ये लगता है हम पहुँच गए एयरपोर्ट, लग तो रहा है। हाँ, बिल्कुल हाँ, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है, बहुत ही लग्जूरियस एयरपोर्ट है। सो लेट्स गो, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस होता है, जिनका काम होता है गाड़ियों को रोक के आपको क्रॉस करने देना। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिया का वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। तो देखिए क्राउड कितनी है, अराउंड ये टाइम हो रहा होगा अराउंड 7:30, और देखिए भीड़ कितनी है। यहाँ भी चेक करें कितनी लंबी लाइन है एयरपोर्ट में एंट्री के लिए, इतने लोग हैं यहाँ पे कि हम आ गए अपनी एंट्री के लिए, जहाँ पे हमारा पासपोर्ट, हमारा टिकट्स, सारा कुछ चेक होगा, एंड देन दे विल अलाउ अस टू एंटर द एयरपोर्ट। और यहाँ पे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर हमारा पासपोर्ट, हमारा सारे आईडी कार्ड चेक करते हुए, आपको अपना फेस शील्ड या फेस मास्क भी हटाना पड़ता है, ताकि ये आपके आईडी कार्ड से आपका फेस मैच कर पाए, एंड देन ओनली दे विल अलाउ यू टू एंटर द एयरपोर्ट। सो आफ्टर गेटिंग ऑल आर IDs वैलिडेटेड, वी आर अलाउड टू गेट इनसाइड द एयरपोर्ट। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी लार्ज है, बहुत सारी टर्मिनल्स है फॉर डिफरेंट एयरलाइंस। इनफैक्ट आपको बैगेज के लिए जो टैग होता है वो भी आपको कियोस्क से लेना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द काउंटर फॉर गेटिंग योर द बोर्डिंग पास। तो हम चल पड़े हैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने। सो लेट्स गो। एंड एज यूजुअल यहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, और वो हो भी क्यों ना, आप हो इंडियाज़ 3rd busiest एयरपोर्ट में। सो यहाँ पे हमारा लगेज चेक करते हुए, और हम आगे चल दिए। सारे कोई आगे हैं, सब हाई कह रहे हेलो। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम जा रहे टूवर्ड्स इमिग्रेशन। तो यहाँ पे दिस अ प्राइवेट एरिया, यहाँ पे कोई वीडियो शूट अलाउड नहीं है, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और ये बहुत लोगों का फेवरेट एरिया है, दिस इज़ द ड्यूटी फ्री एरिया, जहाँ पे आपको सामान मिलता है टैक्स फ्री। मतलब जो आपको शॉप में प्राइस मिलता है उससे आपको यहाँ पे 10-20%
या मे बी 30% आपको कम भी मिलता है। ये मेरा फेवरेट शॉप है वहाँ का। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्राइट कलरफुल शॉप है, जहाँ पे डिफरेंट शो पीसेस थे विद वाइब्रेंट कलर्स। ऐसे मुझे वाइब्रेंट कलर्स बहुत पसंद है। सो दिस वाज अ फेवरेट शॉप ऑफ माइन। सो हम कहीं जा रहे हैं और खाने का जिक्र ना हो तो ये आ गए हम लाउंज में। यहाँ थोड़ी पेट पूजा की जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्विकली बता देती हूँ हाउ टू एक्सेस द लाउंज। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होते होंगे, तो आपको क्रेडिट कार्ड से आपको लाउंज का एक्सेस मिलता है। बहुत क्रेडिट कार्ड इन इंडिया गिव यू लाउंज एक्सेस फॉर लाइक 4 times a year या 8 times a year। और जब भी आप वो क्रेडिट कार्ड प्रोड्यूस करेंगे एट द लाउंज काउंटर, दे विल चार्ज नॉमिनल प्राइस। दे विल चार्ज वेरी नॉमिनल प्राइस, एंड उस नॉमिनल प्राइस से आप लाउंज का एक्सेस पा सकते हो और आप भर पेट यहाँ पे खाना खा सकते हो, या यू कैन हैव योर ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एज पर यू विश। दिस इज़ एवरीवन्स फेवरेट, द बार काउंटर। सो यू गेट 2 complimentary ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, एंड देन वी मूव ऑन टू द खाने का काउंटर, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड बहुत कुछ मिलती है। लाइक आपको केलॉग्स मिल जाता है, फ्रूट्स मिल जाते हैं। हमारे जब हम गए थे, इडली था वहाँ पे, उपमा था, चिकन सॉसेजेस थे, ऑमलेट थे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। और ये सारी अनलिमिटेड होती है, तो आप आराम से भर पेट एक मील खा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स चाय, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग। द बैंगलोर लाउंज इज रियली रियली वेरी स्पेशियस, बहुत स्पेशियस है। बहुत लोगों के बैठने की जगह है एक साथ में, एक बार में, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। देखिए आप, देखिए कितनी सुंदर है ये जगह। है ना सुंदर? मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। वी हैव स्टार्टेड विद सम सॉसेजेस, कपकेक, नूडल्स एंड सम हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए फूड्स बनता है। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस, पर सिर्फ इतना ही प्लेट नहीं था, हमने उसके बाद बहुत खाना खाया। तो आप ये मत समझिए कि हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहे थे, उतना ही खाया। उसके बाद शायद हमने और 2 plates खाए जो इस वीडियो पे नहीं है। सो ये हम दोनों खाना खाते हुए। और ये अब हम टर्मिनल के अंदर जाते हुए हम लोग सब जा रहे हैं। अब शायद बता देना चाहिए है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं टू मालदीव्स। मालदीव्स, हियर वी कम। जैसे कि ऑटो या फिर बस की लाइन होती है, वैसे जिस दिन हम फ्लाई कर रहे थे उस दिन फ्लाइट्स की लाइन लगी हुई थी। मतलब जैसे अभी आपके सामने एक फ्लाइट फ्लाई ऑफ कर रही है, वो टेक ऑफ होने के बाद हमारा नंबर था, मतलब हमारे फ्लाइट का नंबर था, उसके बाद हम टेक ऑफ करते हैं। है ना मज़े की बात कि प्लेन्स भी वेट करती है एक के बाद एक फ्लाई करने के लिए। और फाइनली आधे घंटे के बाद हमारा भी नंबर आ गया। अब हमारी फ्लाइट है रनवे पे और अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं टू मालदीव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।